सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। उदा सारा सुख है, इतना सुंदर शरीर कभी वृद्ध नहीं होते, वहां कोई बकवास नहीं आती, मन में दोष नहीं होता। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, विकार होते ही नहीं, बकवाद करने की इच्छा ही नहीं बनती। तो ज्ञान से अब परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए दी हमारे को कि हम जो मैं बताऊंगा, परमात्मा ने कहा था कि जो ज्ञान हम देंगे, फिर हम अपना एक दास भेजेंगे। वो तो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले सतगुरु रूप में दे गए थे, कबीर भगवान कबीर वाणी के माध्यम से, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी, इस तरह उन्होंने कई भागों में बांट रखा है, बाद में प्रिंट करने वालों ने। बाकी ये सभी कबीर वाणी है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उसमें यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताता है, और उसको जानने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर ये तत्व ज्ञान बताया था। तो जब काल से बात हुई थी और परमात्मा अपने जोगजीत पुत्र के रूप में आए थे, जब काल के लोक में प्रवेश किया, किस लिए आए थे कि हमें दुखी देखा कि ये मेरे बच्चे वहां कितने सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई बीपी हाई ना लो होता था, ना कोई शुगर बीमारी थी, और ना इनको खाने का अभाव था, मजदूर बने फिरते। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है, किसी के पास थोड़ा सा पद मिल जाता है तो नीचे वालों को इतना दबा के रखता है, सब अपने कर्म फोड़ता सारा दिन, उनकी आत्मा दुखा दुखा के। चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है किसी की आत्मा दुखावे। होय होय, उसका ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है, आत्मा रोती है, क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ताकतवर मीन जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है, तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है, अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहां परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना श्वास की जीव से लो भस्म हो जाए। देखो कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। उदाहरण दिया है कि जैसे पहले एक धोंकनी होती थी, पशु के चाम की बनाई जाती थी, और लोहार और सुनार लोग उसी का प्रयोग करते थे, उसमें ऐसे एक हैंडल सा लगा लेते थे, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, आगे उसका एक छोटा सा सुराख होता था उस चमड़े में, और वहीं से वो हवा लेती थी, और फिर ऐसे छोड़ते थे तो वो हवा फूंक मारती थी अग्नि में, ऐरन में, जहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता था, पिंगलाया जाता था। तो परमात्मा कहते हैं कि वो बिना जीव की सांस, यानी मरे हुए जीव पशु की खाल की सांस ने लोह को भस्म कर दिया, और ये तो जीवित सांस है, आहे जो आए है। कहते ये गरीब ने ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लो भस्म हो जाए। अरे तुम तो जीवित श्वास को दुखी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। तो इस काल ने हमें नो भी पाप एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी ब्रांड माटी कर दूं।
और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में, आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बन कर लेगा, बेटी भी लेगा और धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा, और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लागे रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहाँ कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्कल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता, जब तक उसकी पार बसाओगे नो सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूँ इनको, सारी संपत्ति दे दूँ, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है, हम गलत आदमी इस काल के आकर फंस गए, ये गंदा आदमी है, ये सत्य, ये कति झूठा कपटी, हर तरह से हमें मूर्ख बनाकर यहाँ पर फांस रहा है। इसको श्राप लगा 1,00,000 मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का।